ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म आर ऑल द रिएक्शन अकरिंग इन द सेल एंड इन अवर बॉडी दैट आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। जिसको नहीं पता वो लिख लेना। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल द रिएक्शन अकरिंग इन द सेल, इन द लिविंग सेल एंड इन द ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज मेटाबोलिज्म। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एनाबोलिज्म, ए एन ए बी ओ एल आई एस एम, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, सी ए टी ए, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म को हम कहते हैं मेकिंग अप रिएक्शन। एनाबोलिज्म मीन्स मेकिंग अप रिएक्शन व्हेन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस, व्हेन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। कैटाबोलिज्म, breakdown of complex substances into simpler substances, breakdown of complex substances into simpler substances, for example digestion, for example digestion। beta ek hoti hai, next line mein likhna amphibolic process, ए एम पी एच आई। एम पी का मतलब होता है दो, दोनों, एम पी मीन्स बोथ, एम्फीबॉलिक प्रोसेस। व्हेन ए प्रोसेस इज बोथ एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक, कैसे वो मैं अभी बताती हूँ। व्हेन द प्रोसेस इंक्लूड्स बोथ एनाबोलिज्म and catabolism, then the process is called as amphibolic process. For example, cell respiration is an amphibolic process, cell respiration is an amphibolic process. Because first point likhiye, the fats or carbohydrates or proteins, fats or carbohydrates or proteins break down to liberate energy and carbon dioxide. To liberate energy and carbon dioxide. इसके आगे डैश करके लिखो कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। सेकेंड पॉइंट आ जाइए, सेवरल इंटरमीडिएट जो बीच में बनते हैं कंपाउंड्स, सेवरल इंटरमीडिएट्स ऑफ रेस्पिरेशन आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेवरल कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल सी ओ ए, इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड।
सेकंड है सक्सिनाइल सीओए, सेकंड है सक्सिनाइल सीओए इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल. सक्सिनाइल सीओए इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल. नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड सच एज पाइरूविक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड सच एज पाइरूविक एसिड कॉमा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक्सेप्ट कॉमा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड कॉमा मेलिक एसिड एक्सेट्रा. आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड. ठीक है जी. तो क्योंकि और फिर आगे एरो डाल के लिखो एनाबोलिज्म या एनाबोलिक प्रोसेस, एनाबोलिज्म. ठीक है जी. तो क्योंकि रेस्पिरेशन जो है ओवरऑल कैटाबॉलिक प्रोसेस है, बट इसके बहुत सारे इंटरमीडिएट कुछ कंपाउंड्स के सिंथेसिस में भी काम आते हैं. दैट इज व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस. ये क्वेश्चन आपके प्लस वन स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है और दूसरा ये पीएमटी में भी आ सकता है किसी फॉर्म में. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए. यूज ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, यूज ऑफ different respiratory substrates in respiration, in respiration. तो बेटा ये जो है हमने ये देखिए main आपने किया था carbohydrates, पहले समझना है ये carbohydrates या sugars. ठीक है, ये लिया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे सुक्रोस यूज कर लिया, स्टार्च यूज कर लिया, कुछ भी किया, उनकी क्या हुई हाइड्रोलिसिस. हमने डाइजेशन में किया है, हाइड्रोलिसिस मींस ब्रेक डाउन, दे ब्रेक डाउन टू फॉर्म सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब. उसके बाद ये ग्लाइकोलिसिस, ये आपको पता है पाइरूवेट बना, पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना और एसिटाइल कोएंजाइम ए ने क्या किया क्रेब्स साइकिल में एंटर की, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, ये सब बना. ठीक है जी, ये आपको पता है जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स का किया है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, एक मिनट बेटा. ठीक है जी, उसके बाद इफ फैट्स आर टू बी यूज्ड इन रेस्पिरेशन, अगेन फैट्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ठीक है, दो कंपाउंड्स बनते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ठीक है जी, उसके बाद ये देखो बेटा, अगर फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स की क्या होती है बेटा, यहाँ पे है बीटा ऑक्सीडेशन. फैटी एसिड्स अंडरगो प्रोसेस है बीटा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन के बाद फैटी एसिड्स दे फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए, देन एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर्स इन क्रेब्स साइकिल. वो तो है ही, वो तो बाकी तो बन ही जाएगा. ठीक है, जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल सिंपली इसकी कोई एक स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है, बट इट सिंपली अंडरगोज रिएक्शंस एंड फॉर्म्स डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट.
then it changes into glyceraldehyde phosphate and enters in respiration. ठीक है, उसके बाद if proteins are used in respiration, then proteins undergo hydrolysis to form amino acids. Amino acids undergo deamination. Deamination का मतलब होता है बेटा removal of. D मतलब removal, amination removal of amino group. NH2. तो ये क्या बना देते हैं? ये pyruvate भी बना देते हैं, ये oxaloacetate भी बना देते हैं, और ये alpha ketoglutarate भी बना देते हैं. Pyruvate, oxaloacetate या फिर alpha ketoglutarate, and all of these enters in Krebs cycle. Right? So this is how the different respiratory substrates enters in the respiration. समझ में आ गई सबको? गुंजन, कृषा, सरगम, शिवांशी? Yes, ma'am. Everybody? Ma'am. मैम फैट्स वाला पार्ट रिपीट कर दो. फैट्स वाला है बेटा? हाँ मैं बताती हूँ बेटा कि फैट्स जो है, फैट्स की डाइजेशन में आपने पढ़ा होगा या सुना था कि फैट्स आर डाइजेस्टेड हाइड्रोलाइज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. फैट्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. डाइजेस्टेड भी आप कह सकते हो. हाइड्रोलिसिस मीन्स डाइजेशन, ब्रेक डाउन. द फैटी एसिड्स दे अंडरगोज अ प्रोसेस, एक ही पूरी प्रोसेस होती है बेटा बीटा ऑक्सीडेशन की, एंड फॉर्म्स एसिटाइल कोएंजाइम ए व्हिच एंटर्स इन क्रेब्स साइकिल. वेयर एज ग्लिसरॉल बाय अ प्रोसेस चेंजेस इनटू डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दैट चेंजेस इनटू ग्लिसराल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट एंड देन फर्दर मतलब एंटर्स इन रेस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस मींस ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स. ओके कृष्णा, सरगम? यस मैम. चलिए लिख लो, ये बना लो फिर फटाफट से. नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा रेस्पिरेटरी कोशेंट. अच्छा इसके नीचे पहले लिखो, इसके नीचे क्या आएगा? ये जो हमने बनाया है इट इज इंटर रिलेशनशिप अमंग, इंटर रिलेशनशिप ये क्या है? इट इज इंटर रिलेशनशिप अमंग मेटाबॉलिक पाथवेज इन्वॉल्विंग डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स involving different respiratory substrates in aerobic respiration. In aerobic respiration to form carbon dioxide in water. To form carbon dioxide and water. तो यहाँ पे एक पॉइंट आपने लिखना है इसी में ही, इंटर रिलेशनशिप्स में फैटी एसिड्स ब्रेक टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड व्हेन फैटी एसिड्स आर टू बी फॉर्म्ड then acetyl coenzyme A is taken out from respiration. क्योंकि बहुत acetyl coenzyme में बन रहा है, एक थोड़ी molecule टूट रहा है, ढेर सारे टूट रहे हैं, तो withdrawn, taken out from respiration or
is withdrawn and is used in fatty acid synthesis. Likewise, amino acids deamination to form oxaloacetic acid, pyruvate, malate, alpha ketoglutarate, etc. और फिर इन्हीं की ही जब चाहिए हो तो इन्हीं की ही एमिनेशन करके अमीनो ग्रुप ऐड करके फिर अमीनो एसिड्स बन जाएंगे. इनको रेस्पिरेटरी पाथवे से निकाल के फिर अमीनो एसिड्स बन जाएंगे. इज इट ओके? तो ये देना और लेना म्यूचुअल प्रोसेस है, इसलिए हम कहते हैं कि ब्रेक डाउन हो रहा है तो सिंथेसिस भी हो रहा है. दैट इज व्हाई इट इज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस. ठीक है बेटा, लिख लिया? यस मैम. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. आरक्यू ये क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ CO2 इवॉल्व ओवर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एब्सॉर्ब. फ्रॉम दैट वन जो आर क्यू वैल्यू है डिपेंड्स ऑन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स सच एज शुगर सच एज ग्लूकोज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. अगर ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करते हैं तो क्या आता है? ग्लूकोज प्लस सिक्स ऑक्सीजन गिव्स सिक्स सीओ टू प्लस सिक्स वॉटर प्लस एनर्जी. यही बनता है. यहां पे आर क्यू वैल्यू क्या हो गई? सिक्स सीओ टू ओवर सिक्स ऑक्सीजन. तो इट इज RQ वैल्यू बनती है. सेकेंड है फैटी एसिड्स सच एज ट्राइपाल्मिटिन या हम कहेंगे फैटी एसिड्स ना करके फैट्स सच एज ट्राइपाल्मिटिन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. अगर ट्राइपाल्मिटिन जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करते हैं C51H98 एंड ऑक्सीजन इज 6.
ये फॉर्मूला है, इसको ये दो बार लिखना है, तो दिस इज ट्राइपाल्मिथिक। इसके साथ बेटा इसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए 145 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 102 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 98 वाटर प्लस एनर्जी। तो यहां पे अगर हम आर क्यू वैल्यू देखेंगे तो ये क्या है, 102 CO2 ओवर 145 ऑक्सीजन। करके देखो बेटा कितना आ रहा है, डिवाइड करो जल्दी से। हां जी कृषा फटाफट से बताओ बेटा, 0.7 यस 0.7। सो इट्स रेस्पिरेटरी क्वोशेंट इज, फैट्स का कितना होता है 0.7। तीसरा ये इक्वेशन दो याद रखनी है, बाकी तीसरा आर क्यू ऑफ प्रोटीन्स इज 0.9। आर क्यू ऑफ प्रोटीन्स इज 0.9। आर क्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, कई बार ऑर्गेनिक एसिड्स डायरेक्टली यूज होते हैं, सच एज ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, सच एज मैलेट, अगर ये यूज होते हैं तो इट इज मोर देन 1.something, इट इज मोर देन 1। ठीक है जी, तो कार्बोहाइड्रेट्स 1, फैट्स एंड प्रोटीन्स लेस देन 1 and organic acids more than that. ठीक है जी, तो by knowing the function क्या है, by knowing the respiratory quotient, अच्छा एक और, हाँ चलिए यही कीजिए, by knowing the respiratory quotient we can know the type of substrate used, by knowing the respiratory quotient we can know the type of substrate used in respiration। और फिर यहां पे स्टार डाल के लिखिए बेटा, रेड पेन है तो उससे लिखो कि प्योर प्रोटीन्स, प्योर प्रोटीन्स, प्योर प्रोटीन्स मीन्स अकेला, प्योर प्रोटीन्स एंड प्योर फैट्स कैन नेवर be used in respiration alone, can never be alone used in respiration, कभी भी अकेले नहीं कि सिर्फ फैट्स की रेस्पिरेशन हो रही है। सेकेंड पॉइंट, इट शुड बी नोटेड दैट more than one substrates are used in respiration at a time। हमेशा एक नहीं, भी सिर्फ
फैट्स ही फैट्स यूज हो रहे हैं, प्रोटीन्स ही प्रोटीन्स यूज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है. हमेशा एक से ज्यादा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो रेस्पिरेशन में यूज होते हैं. कभी भी हो सकता है प्योर ग्लूकोज, कभी हो सकता है कि सिर्फ रेस्पिरेशन जो है वो ग्लूकोज पे बेस्ड है, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ग्लूकोज बिल्कुल खत्म है, सिर्फ फैट्स पे हो रही है या प्रोटीन पे. तो बहुत ज्यादा देर तक रेस्पिरेशन होती ही नहीं है. दिस लेवल ठीक है, तो फैट्स भी साथ साथ बर्न हो रहे हैं जब ग्लूकोज यूज होगा. ठीक है जी, इज इट डन? और लास्ट हमारा टॉपिक क्या रह गया बेटा इसमें, दैट इज द बैलेंस शीट ऑफ रेस्पिरेशन. कल हमने बताया था कि कितनी जो है वो हमारी, हमने कहा था कि अगर ग्लूकोज की पूरी ऑक्सीडेशन होती है तो 38 एटीपी बनते हैं. बेटा 38 एटीपी बनते तो है, बट ये किस पे बेस्ड है? जो हमने ये बैलेंस शीट निकाली, ये एक्चुअल कब है? ये तब है कि पहले एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यूज हुआ सिर्फ, और कुछ नहीं यूज हुआ. ठीक है, सिर्फ पहले ग्लाइकोलाइसिस हुई, फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई, फिर क्रेब्स साइकिल हुआ, फिर ईटीसी एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. ये सब हुआ, स्टेप वाइज हुआ. इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकला और कोई सबस्ट्रेट नहीं यूज हुआ, हमने सब किया. विच एक्चुअली डज नॉट अकर. कोई भी सेल ले लोगे, वहां पे आपको कहोगे कि एक ग्लूकोज डाला है अब ये 38 एटीपी बन जाए, ऐसा नहीं होता. क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि पहली बात तो मैंने अभी आपको बताया है कि सिर्फ एक सबस्ट्रेट नहीं यूज होता रेस्पिरेशन में, मोर देन वन सबस्ट्रेट आर यूज. दूसरी चीज कि ये स्टेप वाइज प्रोसेस नहीं है. हो सकता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में बना, बट वो आगे क्रेब्स साइकिल में, 10 एसिटाइल कोएंजाइम में बने बट सारे के सारे क्रेब्स साइकिल में नहीं गए, उसमें से 2-3 जो है वो फैटी एसिड बनाने को चले गए. 20 पाइरूवेट बने थे, सारे के सारे रेस्पिरेशन में नहीं गए, कुछ पाइरूवेट जो है वो प्रोटीन्स बनाने में चले गए. तो इस तरह हमने बहुत सारी अजम्पशंस की हुई है, उस पे हमने बैलेंस शीट निकाली है. तो लिखो जरा जल्दी से, द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर्म्स, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर्म्स 38 एटीपी थ्योरेटिकली. Complete breakdown of glucose forms 38 ATP theoretically. But actually in the cells, this does not occur. Full stop karke. The theoretical calculations, the theoretical calculations are made on several assumptions. हमने assume किया है, are made on several assumptions, such as first है, there is sequential orderly pathways, there is sequential orderly pathways in which the end product of one forms the substrate of another, in which end product of one process forms the substrate of another. Occurs all the time. मतलब ये sequential pathways हमेशा हो रही है. For example, glycolysis is followed by
glycolysis is followed by Krebs cycle, which is followed by ETS, etc. ये एक हमारी assumption है कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी process होगी ही होगी, but ऐसा भी होता है कि अगर सेल को जरूरत ही नहीं है ज्यादा एनर्जी की तो वो पायरुवेट बनाकर छोड़ देगा, ग्लाइकोलाइसिस ही होगी, बाकी होगा ही नहीं, क्योंकि सेल को जरूरत ही नहीं है ज्यादा, उसके बाद ऑलरेडी स्टोर्ड एटीपी है. ठीक है, सेकंड आ जाइए, द ग्लाइकोलिटिक एनएडीएच, द ग्लाइकोलिटिक एनएडीएच फॉर्म्ड इन साइटोप्लास्ट, formed in cytoplasm is transferred to mitochondria, is transferred to mitochondria for oxidative phosphorylation. आपको पता है glycolysis में दो NADH2 बनते हैं, हमारे according हम ये कहते हैं कि ये mitochondria में गए और इन्होंने ATP बनाया. The glycolytic NADH formed in cytoplasm are transferred to mitochondria for oxidative phosphorylation. जबकि ऐसा होता नहीं है, cytoplasm में ही और बहुत सारी processes है जहां पे NADH यूज होता है और फिर वो NAD बनाता है, बट ये हमने अज्यूम किया कि नहीं, ये अंदर गया और बना. नेक्स्ट आ जाइए, हमारे अकॉर्डिंग नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स, none of the intermediates of respiratory pathway are withdrawn and are used in, are withdrawn and are used in other metabolic pathways and are used in other metabolic pathway. हाँ जी बेटा, मैम प्लीज रिपीट. नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे आर विड्रॉन एंड आर यूज्ड इन अदर मेटाबॉलिक पाथवे. Other metabolic pathways. Our last assumption is at one time only one respiratory substrate is used in respiration. At one time only one respiratory substrate such as glucose is used in respiration. No other respiratory substrate, no other respiratory substrate is entering in the pathways. Is entering in the pathways. Next paragraph mein likho, but these are assumptions only because more than one substrates are used at a time, more than one substrates are used at a time in respiration. Comma karke, several intermediates are withdrawn. Several intermediates are withdrawn to be used in other processes.
to be used in? Several intermediates are used, are withdrawn and are used in other processes. Beta, ek minute zara. Theek hai beta, several intermediates are withdrawn and are used in other processes. ठीक है, तो इसलिए जो है दीज आर अजम्पशंस ओनली जो हमने बताया. तो क्वेश्चन आ सकता है, लिस्ट द वेरियस अजम्पशंस ऑन विच द यू नो कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी गेन इज कैलकुलेटेड. ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है बेटा, तो ये अजम्पशंस है. उसके बाद आ जाइए बेटा, लास्ट टॉपिक एक और है, कंपैरिजन ऑफ फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. दो कॉलम्स बनाओ, हमने शायद पहले भी किया बट फिर एक बार कर लो. एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टेट और एल्कोहल. एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ग्लूकोज 38 एटीपी. और फर्मेंटेशन में नेट गेन ऑफ एनर्जी 2 एटीपी फ्रॉम वन ग्लूकोज. नेट गेन ऑफ एनर्जी is 2 ATP from one glucose. उसके बाद aerobic respiration में quick regeneration of NAD from NADH2, NADH plus H positive. Come please repeat. क्विक रीजनरेशन जल्दी से होती है, फास्ट होती है. क्विक रीजनरेशन ऑफ NAD पॉजिटिव फ्रॉम NADH2. और फर्मेंटेशन में लिख लो वेरी स्लो रीजनरेशन ऑफ NADH ऑफ NAD पॉजिटिव फ्रॉम NADH2. एक बेटा टर्म आ जाती है, सो दिस इज कंपैरिजन. नेक्स्ट एक आ जाती है बेटा क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन, CLIMACTRIC. क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन डेफिनेशन ही लिखनी है. रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रूट्स ड्यूरिंग देयर राइपनिंग. ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ प्लांट हॉर्मोन इथाइलिन.
due to secretion of plant hormone ethylene. बेटा आपने देखा भी होगा, आप बनाना लेके आओ, कच्चे ही ले आओ, चलो वो जब राइप करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो फिर वो कच्चे बनाने 10 दिन में राइप करेंगे, बट जैसे ही थोड़ी सी राइपनिंग शुरू करते हैं, बस वो एक दिन में वो कंज्यूम कर लो तो कर लो, दूसरे दिन जो है आपको ऐसे सड़े गले से मिलेंगे, क्योंकि उनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है. दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन. एंड देयर इज वन टर्म, पास्चर्स इफेक्ट, PASTEUR apostrophe S, पास्चर्स इफेक्ट, PASTEUR apostrophe S. ठीक है, तो पास्चर्स इफेक्ट क्या है बेटा? अच्छा मुझे ये बताओ, पहले आप ये, मैं डेफिनेशन बाद में लिखाऊंगी, मुझे ये बताओ कि अगर ग्लूकोज, अगर यीस्ट जो है, या हम कहें कि यीस्ट को 38 ATP चाहिए, ठीक है, और वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही है, तो कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यूज करेगी? सरगम, हाउ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विल बी यूज्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन बाय यीस्ट इफ इट रिक्वायर्स 38 ATP? मैम 19. ध्यान से सोच के, एरोबिकली की मैं बात कर रही हूँ, एरोबिकली. मैम एरोबिकली 1 ग्लूकोज, और एनारोबिक रेस्पिरेशन करनी हो तो 19, है ना? अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है तो एक ग्लूकोज से काम चल जाएगा, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन करनी है तो 19 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो अगर यीस्ट, यहाँ पे क्या पास्चर ने क्या देखा कि यीस्ट की एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रही है, और जैसे ही हमने यीस्ट को ऑक्सीजन दी तो ग्लूकोज कंजम्पशन डिक्रीजेस, ठीक है. और इसका रीजन आपको पता चल गया कि ग्लूकोज कंजम्पशन क्यों डिक्रीज की, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एटीपी बन रहा है. तो लिख लो, डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ, डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज, डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट when it shifts from anaerobic to aerobic respiration, when it shifts from anaerobic to aerobic respiration, or vice versa, अगर aerobic से anaerobic करेंगे तो there is sharp increase in the consumption of glucose. Is it okay? So this is Pasteur's effect. Okay, students? Yes, ma'am. ठीक है जी. So this is all about respiration in plants.